जय हिंद दोस्तों। फाइनली आज शाम 7 बजे से हम लाइव क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, वो भी रेगुलर क्लास चलेगा। जो भी छात्र 2024 में 10वीं का एग्ज़ाम देने वाले हैं वो आज इसी यूट्यूब चैनल पर शाम 7 बजे हमारे साथ लाइव क्लास में जुड़ जाइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऑटोमेटिक आपके मोबाइल पर शाम 7 बजे नोटिफिकेशन चला जाएगा और आप लोग क्लिक करके ज्वाइन हो जाइएगा। और एक और बात आप लोग को मैं बोलना चाहता हूँ, अगर आप लोग अपने आप को बदलना चाहते हो और बोर्ड एग्ज़ाम 2024 में अच्छे मार्क्स लाकर पूरी दुनिया के सामने अपने आप को विजेता देखना चाहते हो तो आप लोग आज ही से मेहनत करना स्टार्ट कर दो। ऐसा नहीं है कि अगर किसी स्टूडेंट के पास पैसा का प्रॉब्लम है या फिर पैसा नहीं है, गरीब है, वो नहीं पढ़ सकता, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरे यहाँ अभी 2-4 दिन के अंदर मेरा कोर्स लॉन्च हो रहा है, वो कोर्स आप सभी को मिलेगा और 2-3 दिन के अंदर ही आप लोगों को मैं डिजिटल बोर्ड पर ऑल सब्जेक्ट लेकर फेस टू फेस पढ़ाऊंगा। और जो भी बच्चे हैं, चाहे वो गरीब है या फिर जिसके पास पैसा नहीं है, सब कोई पढ़ेगा हमारे यहाँ, ठीक है। आप लोग बिल्कुल चिंता मत करना, केवल अपने आप को ठान लो कि हमको 2024 एग्ज़ाम में मतलब कि विजेता बनाना है, हम अपने आप को विजेता देखना चाहते हैं, ठीक है। इंसान चाहे तो किसी भी काम को मुमकिन बना सकता है, ठीक है। तो फाइनली दोस्तों इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साइंस का जो हम आपको बताने वाले हैं, ठीक है। इसको इग्नोर मत करना, अच्छे से देख लेना, ठीक है, क्योंकि यही सब क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछते रहते हैं हमेशा, ठीक है। और आप लोग को यह भी पता होगा कि बोर्ड एग्जाम में सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की संख्या रहती है। अगर आप लोग ऑब्जेक्टिव अच्छे से मतलब कन्फर्म कर लेते हो और पहले से याद करना स्टार्ट कर देते हो तो उम्मीद है कि आप आने वाले एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाएंगे, ठीक है। चलो देखो जी, पहला नंबर क्वेश्चन है कि एथेनॉल के क्रियाशील मूलक का सूत्र है। तो जो लोग पढ़ चुके होंगे उन लोगों को याद होगा, लेकिन जो लोग नहीं पढ़े होंगे उनके लिए मैं बता दूं, इसका आंसर होगा ए नंबर वाला, सिंगल बॉन्ड OH होगा, ठीक है। एथेनॉल के क्रियाशील मूलक का सूत्र क्या होता है, सिंगल बॉन्ड OH होता है, ये सिंगल बॉन्ड का चिन्ह है, ठीक है। तो सिंगल बॉन्ड OH हो जाएगा, ए नंबर वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो जी अगला क्वेश्चन आपका दो नंबर, वैद्युत प्रतिरोधकता का SI मात्रक क्या होता है। देखो जी, वैद्युत प्रतिरोधकता का SI मात्रक होता है ओम मीटर होता है, ओम मीटर। तो देखो कभी कभी एग्जाम में आपके ऑप्शन में ऐसे दे देगा ओम मीटर दे देगा, और कभी कभी इसका यूनिट शो कर देगा, जैसे कि ओम को हम ऐसे सूचित करते हैं और मीटर को एम से सूचित करते हैं, तो ओम इंटू मीटर ऐसे दे देगा और कभी कभी हिंदी में ऐसे दे देगा। तो आप लोग बिल्कुल चिंता मत करना, क्योंकि आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि ओम को ऐसे सूचित करते हैं, मीटर को ऐसे सूचित करते हैं, तो आप आसानी से बता देंगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है किसी भी क्वेश्चन में तो आपके लिए मैं फ्री हूँ, कमेंट भी आपके लिए फ्री है, आप कमेंट करके तो बता सकते हैं ना, ठीक है। चलो अब देखो अगला क्वेश्चन से दी, देखो ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना वो बायोलॉजी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे को चुना था, मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे को चुना था। तो मेंडल जो थे ना वो अपने प्रयोग के लिए एक साधारण से मटर के पौधे को चुना था। मटर के पौधे समझते हैं ना, मटर के पौधे, इसको इंग्लिश में पी बोलते हैं, और आप लोग अपने मार्केट में जाते हो तो इसको छेमी के नाम से समझते हो, छेमी के नाम से। देहाती भाषा में लोग कुछ और कहते हैं, भोजपुरी भाषा में लोग और कहते हैं, और जो मतलब कि शहर में रहने वाले हैं वो मटर भी कहते हैं और इसको छेमी भी कहते हैं, ठीक है। तो यही वो मटर का पौधा है जिसको मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए चुना था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग हमेशा के लिए याद रखिएगा, ठीक है। अब देखो जी चौथा नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है, निम्नलिखित में कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है। देखो जी इस क्वेश्चन में बहुत लोग डाउट भी मतलब फील करेंगे, बोलेंगे सर इसका आंसर ये होगा और आप ये बता रहे हैं, लेकिन इसका आंसर परितारिका होगा। लेकिन आप बोलेंगे सर इसका आंसर आयरिस भी तो हो सकता है, हाँ बिल्कुल हो सकता है। परितारिका का दूसरा नाम होता है आयरिस होता है, परितारिका का दूसरा नाम क्या होता है जी, आयरिस होता है। अगर आपके ऑप्शन में आयरिस दे और परितारिका न दे, आयरिस ऐसा रहेगा, तो आप लोग आयरिस पर भी टिक लगा देना, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आयरिस आपका गलती हो जाएगा, बिल्कुल गलती नहीं होगा, आप आयरिस पर भी टिक लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आयरिस तो दिया नहीं है, तो हम सिंपल में सी नंबर पर टिक लगाएंगे, परितारिका, क्योंकि यही नेत्र का रंगीन भाग होता है, ठीक है। तो इसको अच्छे से याद रखना। अब देखो जी अगला क्वेश्चन काफ़ी ज़बरदस्त क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन 5 नंबर काफ़ी ज़बरदस्त है।
क्वेश्चन है कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। अब देखो जी क्वेश्चन आ गया कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो मैं आपको बताता हूँ, आयोडीन की कमी से घेंगा अथवा ग्वाइटर नामक बीमारी होती है। घेंगा अथवा ग्वाइटर समझते हैं ना, घेंगा, ठीक है, कभी कभी ऑप्शन में घेंगा अथवा ग्वाइटर भी देगा, तो ग्वाइटर ऐसे लिखते हैं, ग्वाइटर ऐसे अभी रहेगा ऑप्शन में, कभी कभी यह भी दिया रहता है और कभी कभी यह भी दिया रहता है, ठीक है, तो दोनों याद कर लो, घेंगा अथवा ग्वाइटर, इसको चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले लो ताकि आप दोबारा कभी भूल ना पाए, लेकिन बिल्कुल चिंता मत करो, दो चार दिन का खेल है, दो चार दिन के अंदर हम लोग गर्दा मचाने वाले हैं, ठीक है, मात्र 199 रुपये का हम लोगों का कोर्स मिलेगा, जिसमें आपको ऑल सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव मिलेगा, ऑल सब्जेक्ट का सब्जेक्टिव मिलेगा, लाइव क्लास मिलेगा, वीडियोज मिलेगा, नोट्स मिलेगा, पीडीएफ ए टू जेड मिलेगा, यानी कि आपका टारगेट वहां से रहेगा 480 प्लस का टारगेट रहेगा, जो आप अपने बोर्ड एग्जाम में टॉपर रैंक में आ सकते हैं, ठीक है, यही इस बार का टारगेट है। और ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि जो बच्चे गरीब हैं या फिर जिनके पास पैसा नहीं है वो हमारे यहाँ क्लास नहीं कर सकते हैं 200 रुपये के लिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल मत समझिएगा, मैं दूसरों की तरह नहीं हूँ, समझ सकते हैं, मैं खान सर से बहुत प्यार करता हूँ और मेरे फेवरेट टीचर हैं खान सर, तो आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है, मेरा फेवरेट टीचर कौन है, खान सर है, ठीक है, और मैं खान सर को अच्छे से मानता हूँ, उनकी बहुत हम वीडियो देखे हैं, उनके जैसा टीचर पूरे मतलब कि भारत में खोजा जाए तो नहीं मिल पाएगा, ये रियल बात है, ठीक है, अगर आप इसके लिए सहमत है कमेंट करके ज़रूर हमको बताना, ठीक है, चलो अब देखो अगला क्वेश्चन, अब अगला क्वेश्चन हम ले चलते हैं। अब देखो जी ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, केमिस्ट्री का क्वेश्चन आपको पता है, देखो केमिस्ट्री का क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है। अगर आप इस क्वेश्चन को नेट पर सर्च मारोगे कि निम्नलिखित में कौन सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है, तो बहुत ऑप्शन आ जाएंगे, सोना भी आ जाएंगे, बहुत मतलब कि ऑप्शन आ जाएंगे, लेकिन यहां पर चार ऑप्शन दिया है और इन्हीं चार ऑप्शन में से आपको चूज करना है। बहुत लड़के कहते हैं कि यार मैंने तो पढ़ा था कि सबसे कम अभिक्रियाशील धातु सोना होता है, बट यहां पर दिया ही नहीं है। नहीं जी, यहां पर ऑप्शन के अनुसार आपको बताना है कौन कम अभिक्रियाशील धातु है, तो मैं यहां पर सबसे पहले आपको धातु देखना है, तो Mg क्या है, Mg धातु है या नहीं है, ठीक है, Mg मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ये सब अंत में यम आ रहा है तो समझ लो वो धातु है, समझ लो वो धातु है, तो पक्का आपका मैग्नीशियम होगा। एक्चुअल में दोस्तों मैग्नीशियम याद रखना बहुत होते हैं, लेकिन मैग्नीशियम ऑप्शन कौन सा होगा, ठीक है, चलो अब देखो अगला क्वेश्चन आपका है सात नंबर जी। देखो जी सात नंबर क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। देखो जी चिपको आंदोलन ये क्वेश्चन है ना, ये बायोलॉजी में भी कभी कभी आ जाता है, ऑलरेडी बायोलॉजी का ही क्वेश्चन है, और कभी कभी ये क्वेश्चन आपके सामाजिक विज्ञान में भी चला जाता है, और ऑलरेडी सामाजिक विज्ञान में चिपको आंदोलन क्या है, इसके मुख्य उद्देश्य क्या था, ये सब क्वेश्चन आपको विस्तारित रूप से वहाँ पर पूछा गया था, पाँच नंबर में, कभी दो नंबर में, कभी तीन नंबर में, बट यहाँ पर तो ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया, तो शॉर्ट ऑब्जेक्टिव में आप लोग आंसर दे देना, वन संरक्षण, क्या देना, वन संरक्षण, ठीक है, क्योंकि चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था वनों की कटाई पर रोक लगाना, ये तो सही बात है, अगर आप अभी इस समय वनों की कटाई करके वहाँ पर गाँव शहर बसा रहे हैं तो आने वाले समय में आपको ऑक्सीजन को लेकर बहुत प्रॉब्लम होगा कि नहीं होगा जी, ठीक है, चलो अब देखो अगला क्वेश्चन आपका है आठ नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा का व्युत्पन्न नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा स्रोत है जो सौर ऊर्जा का व्युत्पन्न नहीं है, मात्र एक ही है, उसका नाम है नाभिकीय ऊर्जा। सभी विद्यार्थी लोग इसे याद रखना, नाभिकीय ऊर्जा, ठीक है, क्या होगा जी, आठ का सी नंबर होगा, नाभिकीय ऊर्जा, सभी विद्यार्थी इसको अच्छे से याद रखना, नाभिकीय ऊर्जा, ठीक है, चलो जी अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखो जी अगला क्वेश्चन आपका है नौ नंबर। देखो जी नौ नंबर क्वेश्चन कहता है ना कि धोने का सोडा का आणविक सूत्र है। अब धोने का सोडा का आणविक सूत्र, तो बहुत लोग समझेंगे यार धोने का सोडा का तो मैंने कभी याद ही नहीं किया था आणविक सूत्र, लेकिन धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र मैंने याद किया था, तो आप लोग गलती कर बैठेंगे, क्योंकि धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र अलग होता है, धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र अलग ही होता है। तो धोने का सोडा जिसको हम सोडा LS भी शायद बोलते हैं, इसको इंग्लिश में उतना याद हमको नहीं आ रहा है, ठीक है,
सोडा एस शायद बोलते हैं इसको, ठीक है। लेकिन चलो कोई बात नहीं, धोने का सोडा का जो अणुक सूत्र होता है वो ई वाला होगा, ए नंबर वाला होगा, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट इसका नाम आप लोग दे सकते हैं, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट। लेकिन अगर धोबिया सोडा का पूछेगा तो वही आपका सी नंबर वाला हो जाएगा, धोबिया सोडा का, वही आपका सी नंबर वाला हो जाएगा धोबिया सोडा का। बट धोने का सोडा का पूछा है तो आप ए नंबर पर टिक लगाइए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। चलो अब देखो अगला क्वेश्चन आपका है, कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है। गजब का क्वेश्चन से पूछा है, कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है, तो इसका आंसर ए नंबर तो होगा नहीं, बी नंबर भी नहीं होगा, लाइपेज और इमाइलेज। हमको जहाँ तक लगता है कौन सा एंजाइम, ये आपका बायोलॉजी का क्वेश्चन है, कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है, इमाइलेज होना चाहिए, इमाइलेज। एक मिनट, इस क्वेश्चन को हम एक बार देखकर आपको बताएंगे, अगर आपको पता है तो कमेंट करके बता दीजिए, मेरे को उतना याद नहीं आ रहा, मैंने किताब में पढ़ा था लाइपेज इमाइलेज ऐसे ही करके मैंने पढ़ा था, बट याद आएगा जैसे ही हम आपको बता देंगे, ठीक है। चलो अब देखो अगला क्वेश्चन आपका है 11 नंबर, ठीक है। देखो बच्चे लोग 11 नंबर क्वेश्चन, किसे रासायनिक दूत कहा जाता है, किसे रासायनिक दूत कहा जाता है। तो सिंपल में बात करें तो हम लोग बोलते हैं सी नंबर को, हार्मोन को हम लोग रासायनिक दूत बोलते हैं, किसको बोलते हैं, हार्मोन को। हार्मोन में भी बहुत सारे हार्मोन होते हैं, नर हार्मोन, मादा हार्मोन, बहुत प्रकार के हार्मोन होते हैं, ठीक है। लेकिन सिंपल में याद रखना हार्मोन, रासायनिक दूत हम लोग हार्मोन को ही कहते हैं, ठीक है। चलो अब देखो इसका आंसर हर व्यक्ति बता सकता है, हर व्यक्ति। देखो बहुत ऐसे साइंस में आपके क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको नहीं पता है और ना ही आप कभी उस टॉपिक को पढ़े हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो क्वेश्चंस को एक बार अच्छे से पढ़कर, दो बार अच्छे से पढ़कर और आप बता सकते हैं। जैसे कि 12 नंबर क्वेश्चंस, निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है। प्रकाश, ये जो लाइट आती है, मान लेते हैं सूर्य का प्रकाश है, ठीक, तो सूर्य का प्रकाश जो है वो सबसे तेज किस में भागेगा, कांच में भागेगा, पानी में भागेगा, लोहा में भागेगा या फिर निर्वात में भागेगा। तो यही तो बताना है सबसे तेज किस में दौड़ेगा, तो दौड़ेगा मतलब कि वो हवा में दौड़ेगा, यानी कि निर्वात में दौड़ेगा। सबसे तेज जो हमारा हवा है, वायुमंडल है, इसमें मतलब कि हवा में सबसे तेज वो भागेगा, लेकिन लोहा, पानी, कांच में स्लो जाएगा, लेकिन निर्वात में सबसे तेज जाएगा। सबसे तेज किस में भागेगा, तो निर्वात में भागेगा। और आपको पता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है, ये भी मैंने आपको बताया था, 3×10⁸, 10⁻ क्या होता है जी, 8 मीटर/सेकेंड होता है, ये भी मैंने आपको बताया था, अच्छे से याद होगा आपको, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन आपका है 13 नंबर। 13 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है कि पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं। हाँ जी, ये मस्त क्वेश्चन है, फूल में। तो फूल यहाँ पर ऑप्शन में दिया है, देखो तो पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं। तो देखो जी, मैं किताब पढ़ा था जिसमें लिखा था फूल में, तो यहाँ पर तो फूल नहीं है, तना है, जड़ है, पुष्प है, फल है। तो क्या आप फूल को पुष्प बोल सकते हैं? अरे यार, बिल्कुल बोल सकते हैं, पुष्प यानी कि फूल, पुष्प यानी कि फूल। तो बिल्कुल आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर वाला। एनी डाउट, अगर कोई भी डाउट है या फिर किसी भी स्टूडेंट को डाउट है तो आप हमसे ज़रूर पूछिएगा, आपके हर एक डाउट का सलूशन हमारे यहाँ मिलेगा, ठीक है। क्योंकि मेरा ही नाम है रंजन सर, हर एक क्वेश्चन का सलूशन मिलेगा, चाहे वो मैथ का हो, साइंस का हो, सोशल साइंस, हिंदी, संस्कृत या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, वो मैं जवाब दूंगा उसका, ठीक है। बस आप लोग अपने आप में एक जुनून पैदा करो, जुनून ऐसा पैदा करो कि बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आए, ठीक है। अपने आप को बदलो, यही टाइम है, कब तक अपने आप को ऐसे छोड़ोगे। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं 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 जी, कोई बात नहीं। अब देखो अगला क्वेश्चन आपका है 14 नंबर। देखो जी, 14 नंबर आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन लवण है, निम्नलिखित में कौन लवण है। तो निम्नलिखित में जो लवण है उसका नाम ये वाला होगा K2SO4, ये आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। K2SO4 एक लवण होता है, क्या होता है, नहीं तो आपको मैं बता दूंगा, ठीक है। धातु के ऑक्साइड को क्या बोलते हैं, और धातु के ऑक्साइड को क्या बोलते हैं, ये सब हम आपको बताएंगे, पढ़ाएंगे, तो ठीक है, आप लोग चिंता मत करो, ठीक है। लेकिन K2SO4 आपका लवण हो जाएगा, NaCl आपका ये क्या हो जाएगा, ये लवण नहीं होगा बल्कि ये आपका अम्ल हो जाएगा, NOH आपका भस्म हो जाएगा, वो भी आपका भस्म हो जाएगा, लेकिन ये आपका लवण होगा K2SO4, ठीक है। चलो
अब देखो अगला क्वेश्चन 15 नंबर। देखो जी 15 नंबर आपका क्वेश्चन है कि अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है। अमीबा में अधिकांश जो पोषण होता है वो कैसा होता है। अमीबा में अधिकांश पोषण, देखो जी मैं आपको बता रहा हूँ सिंपल में, अमीबा में अधिकांश जो पोषण होता है ना वो अंतःग्रहण में होता है। अंतःग्रहण का नाम सुने होंगे, आंसर होगा बी नंबर, ठीक है इसको याद रखना। और 16 नंबर क्वेश्चन तो आप लोगों को याद होगा पहले से, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। दर्पण का सूत्र पूछा है, दर्पण का सूत्र किसको नहीं याद होगा। दर्पण का सूत्र नहीं याद है, याद कर लो। देखो ऑप्शन नंबर ए वाले को गौर से, 1/v + 1/u = 1/f, इसको अच्छे से याद कर लो ए नंबर को, ठीक है। देखो मैं रियल में बता रहा हूँ, आप लोग यकीन करो या ना करो, मैं आपको उम्मीद दिलाता हूँ कि अगर आप हमारे यहाँ से रेगुलर क्लास से करते हैं और 2-3 दिन सब्र कर लेते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि 2-3 दिन सब्र कर लीजिएगा तो आपको डिजिटल वोट पर प्लस सब कुछ आपको मतलब कि मिल जाएगा सुविधा पढ़ने के लिए, ठीक है। तो मैं आपको टारगेट दिला दूंगा 470-480 प्लस का, ये मेरा वादा है, ठीक है। क्योंकि मैं जो वादा करता हूँ उस वादे से मैं पीछे नहीं हटता हूँ। आप मेरे को हल्के में मत लीजिएगा, जब पढ़ाऊँगा ना और आपको लाइव क्लास में आऊँगा और दिखाऊंगा मैथ का जलवा, साइंस का जलवा, तो आप खुद परेशान हो जाइएगा, बोलने लगिएगा कि ये तो खान सर का एकदम लगते हैं भाई हैं, समझ जाइएगा एक तरह से आप ये बोलने लगिएगा, ठीक है। हाँ जी हाँ जी, नहीं नहीं वो तो बात है, वो सही बात है, ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं है। तो देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर वाला। अब देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपका है 17 नंबर। 17 नंबर क्वेश्चन से, इथेन में, इथेन के अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। तो देखो क्वेश्चन में कहा है सिर्फ आपको कि इथेन के अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। तो सहसंयोजक बंधन क्या होता है, उससे पहले आपको इथेन का अणु सूत्र पता होगा। इथेन का अणु सूत्र होता है क्या होता है, इथेन का अणु सूत्र C2H6 होता है शायद, हाँ इथेन का ये होता है। इथेन का क्या होता है, C2H6 होता है। तो पहले इसको संरचना सूत्र में बदलो, 2 C होगा, 2 C बदल दिए, और इसमें कौ गो एच लगेगा, 6 एच लगेगा, 6 एच लगा दो, एगो यहाँ एगो यहाँ एगो यहाँ एच लगेगा, ठीक है, एगो यहाँ एगो यहाँ और एगो यहाँ। अब गिनो कौ गो ये बंड है, एगो दूगो तीन गो चार गो पाँच गो छः गो सात गो, तो 7 बॉन्ड मिला, तो उस बॉन्ड को ही सहसंयोजक बंधन कहते हैं। तो 7 पर टिक लगा देना, कितना दीजिए कोई भी पूछेगा, इथेन मिथेन प्रोपेन ब्यूटेन जो इसका भी पूछेगा आप बता दीजिएगा, ठीक है। चलो 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर दो। तो 18 नंबर क्वेश्चन है कि विभवांतर का एसआई मात्रा क्या होता है, विभवांतर का एसआई मात्रा क्या होता है। तो सिंपल में जी आप लोग बता देना, विभवांतर का एसआई मात्रक होता है वोल्ट। क्या होता है जी, विभवांतर का एसआई मात्रक होता है वोल्ट, आप लोग सिंपल में बता देना। सिंपल में क्या बताना, विभवांतर का एसआई मात्रक होता है वोल्ट। क्या होता है जी, वोल्ट होता है विभवांतर का एसआई मात्रक, ठीक है। चलो अब देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपका क्या है, हाँ जी अगला क्वेश्चन आपका है टूथपेस्ट कैसा होता है। टूथपेस्ट किसको बोलते हैं, ठीक है, जैसे कि हाँ ठीक है वेरी गुड, क्या बात है जी, बहुत बढ़िया, छाड़िए याद किए हो, वेरी गुड। देखो जी एक लड़का इसका आंसर बता दिया, टूथपेस्ट कैसा होता है, तो छारीय होता है, आप लोग याद रखना, अम्लीय विलासिन नहीं होगा बल्कि वो छारीय होगा, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर एक और क्वेश्चन मैं आपको बता दे दूँ, 20 नंबर, 20 नंबर क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था, तो ये क्वेश्चन से पूछेगा इस बार। तो बहुत लड़के फैराडे पर टिक लगाते हैं, लेकिन बिल्कुल फैराडे पर टिक मत लगाना, ओस्टेड नामक वैज्ञानिक ने किया था। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज ओस्टेड नामक वैज्ञानिक ने किया था, आप लोग आंसर बी नंबर पर टिक लगा, बी नंबर पर नहीं बल्कि ओस्टेड जिस भी ऑप्शन में होगा उसी पर टिक लगाइए, ठीक है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसे लगा, आप लोग मतलब कि कैसा लगा आप लोग कमेंट कर बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, ठीक है, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। अगले वीडियो के लिए इंतज़ार करिए, नहीं तो कमेंट करके पूछिए सर अगला वीडियो कब से मिलेगा, ठीक है। देखो मेरे वीडियो के लिए ना हज़ारों लड़के तरसते हैं, ठीक है, आपको वीडियो मिलेगा आज से, मतलब कि 2-2, 3-3 वीडियो मिलेगा, लाइव क्लास मिलेगा, ठीक है, आज से मैं बोल दिया ना तो मिलेगा, ठीक है। बट आप लोग अच्छे से
मतलब कि पढ़ने का प्रयास करो, ठीक है। पैसा के फिर में मत रहना, पैसे की चिंता मत करना, ठीक है। अगर पैसा का प्रॉब्लम होगा तो आप अपने गार्जियन से मेरे से बात करा दीजिएगा, मैं सब कुछ देख लूँगा, ठीक है। लेकिन आप लोग अच्छे से पढ़ो, बस पढ़ो, क्योंकि हम लोगों को मतलब कि अच्छे पढ़ लिख कर जॉब पाना है, ठीक है। चलो जी, धन्यवाद।